आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो आप दुनिया से और अपने आप से मांगोगे वही आपको मिलेगा। वट एवर यू आस्क, जो भी आप आस्क पूछेंगे वही आप रिसीव करेंगे। जो आप पूछेंगे, जो आप मांगोगे वही आपको मिलेगा। दुनिया में जो आप मांगते हैं, जो आपको चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। जो भी आपको चाहिए ही चाहिए वो आपको मिलता है। मतलब मैं उसके सिवाय चलाऊंगा नहीं, मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। ऐसा जब है कि मैं अदरवाइज आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, तो वो आपको पक्का मिलेगा। आपने देखा होगा कि आपने अभी तक जो भी चाहा है, जिसके लिए भी आपने कमिटमेंट किया हुआ है, जो भी आपने पक्का मन में ठान लिया है वो आपको मिला हुआ है। मगर वो सिर्फ ठान से नहीं होता, ठान देने से मतलब मन में ठान लेने से नहीं होता है। वो आपको पूछना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, लोगों के ऊपर डिमांड डालनी पड़ेगी, लाइफ के ऊपर डिमांड डालनी पड़ेगी। और जो आपको चाहिए ही चाहिए वो आपको मिलेगा। क्या है कि लोग बहुत कमज़ोर है, लोग दुनिया में लोग एकदम रिजाइंड है, बहुत सिनिकल है, लोगों को आत्मविश्वास नहीं है, लोग हारे हुए, पूरा हारा हुआ इंसान है। लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ संभव नहीं है, ये मेरे लिए संभव नहीं है। जीवन जीना लोगों के लिए बहुत टफ है, लोग यानी हैंड टू माउथ है। और जब लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा टफनेस आपके तरफ से चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपके तरफ से चाहिए, थोड़ा सा अनुशासन आपके तरफ से चाहिए, आप ये दुनिया के ऊपर विजय पा सकोगे। आप ये देखेंगे कि आप अपने दिमाग में क्या डालते हो, आप अपने पोटेंशियल को क्या जानते हो, पहचानते हो। हम हरदम देखते हैं कि हमारा जो पूरा मन है ना, उसका 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड है और 90% हिस्सा जो है सबकॉन्शियस माइंड है। तो 90% का तुम वापर ही नहीं करते, 10% जो कॉन्शियस माइंड है उसके वापर करते। आप अपने सबकॉन्शियस को पूछिए, सबकॉन्शियस को पूछिए आपको क्या चाहिए। सबकॉन्शियस को देखो, उसके पास में इतनी कैपेबिलिटी है, इतने हाईएस्ट पोटेंशियल है। आप अपने आप को पूछो, क्या मैं मेरे पोटेंशियल का इस्तेमाल पूरा कर रहा हूँ, क्या मेरी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, मुझे अंदर क्या डालना है, क्या नया सीखना है, क्या अपने आप को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अपने आप को क्वेश्चन करना चालू करो, दुनिया को क्वेश्चन करना चालू करो, फिर आपको देखने मिलेगा कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मेरे लिए संभव है। यहाँ से आप आते हो कि मेरे लिए कुछ भी संभव है, तो डेफिनेटली आप वो कर सकोगे। उसके लिए आपको अपने आप के ऊपर क्वेश्चन करना पड़ेगा, लोगों के ऊपर क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपने आप की पोटेंशियल पहचाननी पड़ेगी। हम फिजिकल फिटनेस के लिए काम करते हैं, फिजिकल डाइट प्लान हमारे पास में, कितना खाना, कितनी कैलोरीज है, जिम में जाना कि नहीं जाना, फिटनेस करना कि नहीं करना। मेंटल डाइट प्लान आपके पास में क्या है? आप मेंटल को मतलब अपने दिमाग को क्या फीडिंग करते हो, क्या खाते हो, दिमाग को क्या खिलाते हो। मैं हरदम देखता हूँ कि मेरा मेरा जो पार्टनर्स है, मेरे पार्टनर्स जो है वो सब मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर्स, जो भी इंडिया के, जो इंडिया के बाहर के, वो मेरे ट्रैवल पार्टनर है, मैं उनके साथ में सफ़र करते रहता हूँ। आपका ट्रैवल पार्टनर कौन है? आप सुबह उठते हैं तो आप क्या पॉजिटिव दिमाग में डालते हो, कौन से वीडियो आप सुनते हो, कौन सी किताबें आप पढ़ते हो, अंदर क्या डालते हो। ऐसा बोला जाता है कि आपका जो स्वभाव है वो आपके आजू बाजू के 5 लोग हैं उसका एवरेज स्वभाव है। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपके आजू बाजू के जो 5 लोग हैं उनका एवरेज निकालो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है। तो आपको यदि आगे बढ़ना है जिंदगी में, अपने आप को सवाल करना पड़ेगा, अपने आप को टफ जो है टफनेस वो बाहर लाना पड़ेगा अपना। लोग कमज़ोर है, लोग नहीं चाहते हैं कुछ होना चाहिए करके, लोगों को मालूम नहीं कुछ करना है और कुछ संभव है उनके लिए, आपको मालूम है। तो आप ये कर सकते हैं कि अंदर क्या डालो बाहर क्या निकलेगा वो आपको पता लगेगा फिर। तो आप जो भी अंदर डालते हो, जो भी दिमाग में डालते हो, जो भी दिमाग को फीड करते हो वही आपको मिलेगा। तो जो आप पूछेंगे वो आपको मिलेगा, जो आपको चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे अंदर क्या डालने का है, क्या डालने का है, पॉजिटिविटी कौन सी डालने की है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, और जो मैं अंदर जो जो भी डालूंगा वो बाहर निकलेंगी। मुझे देखना है कि मेरे इंडस्ट्री में कौन सा नंबर वन है, मुझे यदि मेरे बिजनेस में आगे बढ़ना है तो कौन सा नंबर वन है मेरे बिजनेस में, वो क्या करता है, उसका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, उससे ज़्यादा अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जो क्रिएटिव लोग हैं, जिन्होंने कुछ तो भी नया किया हुआ है, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपको क्रिएटिविटी जो है अपने आप में जो फंसी हुई है, अपने आप में जो अंदर दबी हुई है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और वो निकाल के आपने देखना पड़ेगा कि मैं नया क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए नया क्या संभव है जो अभी तक कुछ ने भी किया नहीं है, मेरे बिजनेस में ऐसा क्या नया संभव है जो अभी तक मैंने सोचा भी नहीं है, मेरे बिजनेस में ऐसा क्या मैं नया कर सकता हूँ जो अभी तक मैंने किया भी नहीं है।
तो अपने आप की क्रिएटिविटी जो है अपने आप में, उसको बाहर निकालो, खुद को क्वेश्चन करो, अपने बिजनेस में क्या नया चल रहा है वो देखो, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको ललकारो, उसको आवाज़ दो, और फिर देखो आपकी तरक्की कैसी होगी। तो जो आपको मांगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप से मांगना पड़ेगा, उसके लिए अपने आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा। रोज़ सुबह टाइम निकालो, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप मेडिटेशन में बैठो, सॉलिट्यूड में बैठो, अकेले बैठो, पूरा बदन रिलैक्स करके बैठो और विजुअलाइज करो, मेरा दिन कैसा जाएगा, मैं आज क्या करने वाला हूँ, मेरा आज का क्या प्लान है, मुझे मेरे से क्या डिमांड करना है, मैं मेरा आज कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, ये ज़िंदगी में आज मैं नया क्या कर सकता हूँ, ऐसा 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक अपने आप को आप पूछो, प्लान बनाओ और काम को लग जाओ। देखो आपको, आपने जो भी सोचा होगा, जो भी आपने लिस्ट की होंगी, जो भी आपने विजुअलाइज किया होगा, वो पूरा दिन में उतर जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है कि नहीं। देखो हर व्यक्ति ना जेल में बंद है, उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए संभव नहीं है, दुनिया पूरी जेल में बंद है, आपके आजू बाजू के लोग जेल में है, मेंटल जेल में बंद है। ये वीडियो जो है वो लोगों को दो, लोगों को फैलाओ, लोगों को जानने दो कि उनमें क्या पोटेंशियल है, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना बड़ा काम वो कर सकते हैं, इतना फैलाओ कि हमारा देश जो है ना वो एकदम तरक्की करेगा, सबसे आगे निकल जाएगा। हमारे यहाँ अकोला में हॉस्पिटल है जहाँ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसके लिए हम काम करते हैं। यहाँ हमारे दो हॉस्पिटल्स है जहाँ मेंटल पेशेंट को इलाज करते, हिस्सारों के साथ में भर्ती करते, हिस्सारों के अलावा भर्ती करते हैं। कोई भी मेंटल प्रॉब्लम होगा तो लोग हमें पूछते हैं, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन करके लोगों को इलाज करते हैं, काउंसिलिंग करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, काफ़ी जगह हम जाते हैं, लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट करते हैं। आप भी हमें कहीं बुला सकते हैं, आपके रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ बुला सकते हैं, ताकि हम लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी दे सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके और लोग उनके ज़िंदगी में तरक्की करें, हमारा मोटो है, हमारा मिशन है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।